राज्य भर के विद्यार्थी जैक पर 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर जिले में भी छात्रों का आक्रोश सामने आ रहा है। इंटर में फेल छात्रों का गुस्सा आज जिला शिक्षा विभाग के ऑफिस के बाहर फूटा। फेल छात्रों ने आज वहां जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मंत्री और आजसू नेता रामचंद्र सहीस भी पहुंचे। उन्होंने डीएई विनीत कुमार से बातचीत की। वहीं डीएससी ने छात्रों का ज्ञापन जैक को भेजने का आश्वासन दिया। आज जिला शिक्षा प्राधिकारी के कार्यालय पे अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर के तहत यहाँ पर घेराव किया गया है। कुछ दिनों पहले ही 12वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें मुख्य तौर पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आई है। मुख्य तौर पे ये कहा गया था कि कोविड में सारे लोगों को 11th के आए हुए नंबर के आधार पर 12वीं में उन लोगों को पास कर दिया जाए, परंतु यहाँ पर वैसा हुआ ही नहीं। किसी बच्चे को जो पास है 11th में, उनको 12th में पास कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जितने बच्चे हैं वो भी सारे 11th में पास थे, लेकिन क्या पता जैक के द्वारा किस मापदंड के अनुसार उनको मार्किंग किया गया है कि इतने सारे बच्चे फेल हो गए हैं। ये बात जानने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। इनको भी यह नहीं पता है कि किस मापदंड के अनुसार इनका नंबर तय किया गया है। रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, अच्छा, इसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको कहा गया है स्मार्ट पर दे और उसको अनुकूल चेक प्रवर्त करेंगे। तो आपके तरफ से क्या आश्वासन? इस मामले में जिला पोस्ट ऑफिस है, जिला पोस्ट ऑफिस है, जिला कुछ आश्वासन नहीं दे सकता है। ये जो पत्र देंगे उसको हायर अथॉरिटी के पास हम तुरंत फॉरवर्ड करेंगे। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।